रूस ने एक बार फिर से फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है बाखमुट में। आसमान में बरसती दिखी है आग। रूस ने यूक्रेनी मिलिट्री ठिकाने को टारगेट किया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की भी खबर है। तो देखिए सबसे खतरनाक बम फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल एक बार फिर से रूस ने किया है। और ये देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, ये किसी आतिशबाजी की तस्वीर नहीं है, बल्कि आसमान में फॉस्फोरस बॉम्ब से किस तरीके की चिंगारी और रोशनी पैदा हुई वो आप देख सकते हैं। बहुत ही खतरनाक होता है फॉस्फोरस बॉम्ब जिससे हमला किया गया है। तो इस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे चतुर्वेदी सर, फॉस्फोरस बॉम्ब से लेकर के तमाम वो धमकियां जिसमें न्यूक्लियर अटैक के बारे में बोलने से भी नेता घबरा नहीं रहे, चाहे वो ज़ेलेंस्की क्यों ना हो या फिर पुतिन ही क्यों ना हो। क्या लग रहा है, युद्ध का एक मंच G7 बनेगा क्या? क्या G7 में ज़ेलेंस्की को समझाया जाएगा कि बातचीत की पहल करें, पुतिन के सामने पीस टॉक पर आने के लिए प्रपोजल रखे? अंजलि, जो आपने बताया बहुत इसमें महत्व की बात है। G7 में अगर ये युद्ध का समाप्ति के लिए कुछ पहल होती है तो भारत करेगा और भारत समझाएगा, क्योंकि युद्ध का ये युग नहीं है, जो हमारे प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक ऑनरेबल एग्जिट होनी चाहिए और वो ऑनरेबल एग्जिट कैसे होगी इसके बारे में डिप्लोमेसी और बाकी नेताओं को सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर ये उकसाते रहे और ज्यादा वेपन्स देते रहे और सैंक्शंस लगाते रहे तो इसका हल नहीं आएगा। इसका हल शांति की पहल, और वो भारत कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता विश्व में रशिया के साथ और ऑल्सो यूक्रेन के साथ बहुत शिखर पर है। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी इस पहल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल, और चतुर्वेदी सर ये मकसद भी साफ नजर आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, एज अ स्पेशल इनवाइटी वहां पर होना और G7 का मंच होना, ज़ेलेंस्की का पहुंचना, क्योंकि सभी को सिर्फ भरोसा है तो वो मोदी पर।